हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आस्था आईएएस के क्लास नोट्स के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज नवीकरणीय ऊर्जा को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नाभिकीय ऊर्जा जो सिलेबस में दिया था उसको ख़त्म कर लिया है। तो सिलेबस में हमें नाभिकीय ऊर्जा जो हमने इसके दो वीडियो के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा को ख़त्म कर लिया है। इस वीडियो में हमें नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके बारे में पढ़ना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें हमें इस नोट्स में क्या क्या पढ़ना है, तो इसका परिचय, इसका उद्देश्य क्या है और इसके आयाम क्या क्या हैं, इन तीन चीज़ों पर इसमें डिस्कशन किया गया है। तो वर्तमान में वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, हरित ईंधन के रूप में अनेक स्रोतों की पहचान एवं उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले 1982 में ऐसे ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 1987 में इरेडा की स्थापना की गई। इरेडा क्या है, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो 1987 में इसकी स्थापना की गई है। इनके अलावा अन्य अनेक सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। बिहार में ऊर्जा विभाग के तहत बेरेडा के द्वारा बिहार ऊर्जा नीति 2017 जारी किया गया। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये बिहार का है और इसके द्वारा क्या किया गया है, तो बिहार ऊर्जा नीति 2017 जारी किया गया, जिसके अनुसार वर्ष 2022 तक कुल 3436 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 2900 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता तथा शेष अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाना है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के अनेक उद्देश्य एवं सकारात्मक पक्ष हैं। जैसे तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको बढ़ावा देने का क्या उद्देश्य है और इसके कुछ क्या सकारात्मक पक्ष हैं, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ये देखना है। तो ये जो स्रोत होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ये जो स्रोत होते हैं ये कार्बन मुक्त होते हैं। इसके बाद ये जो है अवशिष्ट प्रबंधन की इसमें चुनौती नहीं होती है। स्रोतों की असीमित उपलब्धता है, यानी कि असीमित में इनके स्रोत उपलब्ध हैं। परिवहन की इसमें कोई समस्या नहीं है। स्रोतों में विविधताएं, यानी कि अनेक तरह के नवीकरणीय ऊर्जा हैं जो कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा हैं। इस प्रकार से ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग के साथ साथ इनका घरेलू उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के सकारात्मक पक्ष हैं। इन विशेषताओं के कारण वर्तमान में इन्हें स्वच्छ अभिकास तकनीक का आधार भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे स्रोत जीवाश्मी ईंधनों से उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को 100% रोकने में सहायक हैं। साथ ही कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 70% भाग को कम करने में सहायक है। तो जो जीवाश्म ईंधन से जो उत्पन्न होते हैं कार्बन, तो उनके कार्बन उत्सर्जन को ये 100% तक रोकने में नवीकरणीय ऊर्जा जो है सहायक है। और उसके साथ ही कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 70% जो है वो उसका भाग कम करने में सहायक है। उपरोक्त तो महत्व को देखते हुए वर्ष 2015 में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक के लिए। इसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 3 गीगावाट जो है बायोमास तथा 5 गीगावाट जो है लघु जल विद्युत परियोजना इसमें शामिल है। वर्तमान में इस लक्ष्य को 2030 तक के लिए बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया गया है। सरकार का यह कदम COP21 पेरिस समझौता 2015 के तहत भारत के लिए निर्धारित NDC के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। इस लक्ष्य के अनुसार भारत को अपनी कार्बन तीव्रता को 1/3 से भी कम करना है। तो इस क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में यह डिटेल दिया गया है। वर्ष 2030 तक भारत की जो कार्बन तीव्रता है उसको 1/3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे लक्ष्य हैं और उसी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों पर काम किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, बायोमास में, लघु जल विद्युत परियोजना, ये सब इसमें शामिल है। वर्तमान में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 अक्टूबर 2020 तक है जो 89.63 गीगावाट है, जो पिछले 6 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ा है तथा सौर ऊर्जा के मामले में इसमें 3 गुने की वृद्धि हुई है। यह कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 24% है। इनके अलावा 49.59 गीगावाट क्षमता स्थापना की प्रक्रिया में है तथा 21.41 गीगावाट क्षमता के लिए निविदा जारी किया जा चुका है, टेंडर जारी किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 166.63 गीगावाट क्षमता पाइपलाइन में है। तो ये क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, कितने इसमें वृद्धि हुई है सौर ऊर्जा के मामले में,
ये सब इसमें दिया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा 25 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। तो 25 मेगावाट से जो अधिक के जल विद्युत परियोजना है इन्हें भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसे शामिल करते हुए 221 गीगावाट की परियोजना पाइपलाइन में है और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की कुल भागीदारी बढ़कर 36% हो जाता है। कुछ प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा उनकी स्थापित क्षमता। तो नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं और उनकी स्थापित क्षमता गीगावाट में दिया गया है। तो सौर ऊर्जा 36.32, पवन ऊर्जा जो है 38.26, बायो ऊर्जा जो है 10.31 और लघु जल विद्युत परियोजना ये 4.74 गीगावाट और कुल मिलाकर 89.63 गीगावाट इनकी ऊर्जा स्रोत है, इनकी स्थापित क्षमता है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। अब एक एक के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको अलग अलग दिया गया है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। लगभग 300 दिनों तक सूर्य की स्थिति प्राप्त जो सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति है, यानी कि लगभग 300 दिनों तक जो सूर्य की स्थिति होती है भारत में, तो सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए ये आदर्श स्थिति है सूर्य का भारत में। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 20 मेगावाट के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा का मुख्य रूप से दो रूपों में उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, ये कौन कौन सा है? तो सौर विद्युत यानी कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी में और सौर यानी कि सोलर थर्मल में। तो सौर विद्युत के तहत ताप विद्युत प्रभाव सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो सौर विद्युत के लिए क्या कौन सा सिद्धांत उपयोग किया जाता है? तो ताप विद्युत का प्रभाव। ये डायग्राम के माध्यम से समझाया है, पीडीएफ में आप इसको देख के अच्छे से समझ जाएंगे, इसको बना लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों द्वारा इस तकनीक का उपयोग कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में सौर विद्युत की अनुमान क्षमता 750 गीगावाट है। इसके उपयोग के लिए 2010 में नेशन सोलर मिशन की शुरुआत की गई थी। 2022 तक इसका लक्ष्य 20 गीगावाट या 2015 में इसे बढ़ाकर 600 गीगावाट कर दिया गया है। इस मिशन के तहत सोलर पंप, इन्वर्टर जैसे ऑफ ग्रिड उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। डीसीआर क्या है? तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के तहत देश के अंदर उत्पादित सौर उपकरणों के उपयोग की स्थिति में 40% तक सब्सिडी का प्रावधान भी रखा गया है। अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में परिवर्तित करने के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों की जल आवश्यकताओं को पूरा करना ऊर्जा सुरक्षा तथा आय में वृद्धि इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अजय क्या है? तो अटल ज्योति योजना, इसके तहत अगले 2 वर्षों में 1.5 लाख सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गांवों में 10 लाख सोलर स्ट्रीट लैंप लगाने का निश्चय किया गया है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सोलर लाइट लगाया जा रहा है। 40% तक सब्सिडी तथा राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत की खरीद एवं वितरण किया जा रहा है। सोलर परियोजना जो है ये क्या है? तो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उपयोग कर मार्च 2022 तक कुल 40 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए प्लग एंड प्ले मॉडल को अपनाया गया है। आपत्ति संबंधित आधारित संरचना जैसे भूमि अधिग्रहण, विद्युत सड़क परिवहन तथा जलापूर्ति सरकार एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराना, इसके साथ ही अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को भी पूरा करना। इस प्रकार भारत द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 2015 में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन को प्रोत्साहित किया गया और वर्तमान में कुल इसकी 121 भागीदार देश हैं और इस क्षेत्र में 100% FDI की भी अनुमति है। अब सौर तापन यानी कि सोलर थर्मल, तो इस तकनीक के तहत मुख्य रूप से हरित ग्रह प्रभाव का उपयोग किया जाता है तथा कृत्रिम रूप से उपयोग के अनुसार सूर्य के तापमान को 100 गुने तक बढ़ाया जाता है। इसका उदाहरण दिया गया है पॉली हाउस, जल को गर्म करना और सोलर कुकर, खारे पानी को साफ करने के लिए सोलर पॉट। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल सोलर थर्मल में किया जाता है। पॉली हाउस का उपयोग ठंडे क्षेत्रों में नर्सरी तथा फल फूल सब्जियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। सोलर कुकर का सामुदायिक उपयोग हो रहा है, जैसे विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हजारों लोगों के लिए खाना बनाने हेतु। गुजरात ने खारी पानी को साफ करने के लिए सोलर पॉट विकसित किया गया है। अब है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसके बारे में दिया गया है कि 120 मीटर की ऊंचाई तक भारत में कुल पवन ऊर्जा क्षमता 694,000 मेगावाट है और इनमें
38,260 मेगावाट क्षमता की स्थापना की जा चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा भारत में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास किए जा रहे हैं। इसके द्वारा पवन ऊर्जा क्षमता के अनुसार पवन ऊर्जा एटलस भी तैयार किया गया है, जो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की आदर्श दशाओं पर आधारित है। जैसे पवन की गति 3 से 12 मीटर प्रति सेकेंड, पवन की दिशा में निरंतरता और पूरे वर्ष पवन की स्थिति। भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाए, जैसे पवन ऊर्जा संयंत्र के साथ जमीन पर सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना, और इससे ऐसे संयंत्रों की लागत में कमी आती है। अब है जल विद्युत परियोजना। तो 25 मेगावाट तक की परियोजना इसमें शामिल है। वर्तमान में लगभग 1100 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें 4.74 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार के संयंत्र के तहत छोटे छोटे नदी नाले तालाब झरने पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जा रहा है लघु जल विद्युत परियोजना के माध्यम से। अब नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा। तो बायोमास भी विद्युत उत्पादन का एक मुख्य स्रोत है, और इसके तहत अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन नीति का पालन किया जाता है। जो भी अवशिष्ट होते हैं उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख बायोमास जिनका इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे चीनी मिल के अवशिष्ट, कागज मिल, चावल मिल के अवशिष्ट तथा अन्य कृषि अवशिष्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह के अवशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पन्न करना, नगरीय अवशिष्टों को भी जलाकर विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। तो जो भी अवशिष्ट होते हैं उनको जलाकर जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसी को बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। गैसीकरण करना, तो ये क्या है, तो द्रव अवशिष्टों से मीथेन गैस उत्पन्न करना तथा इसका उपयोग बिजली उत्पादन में। जैव ईंधन के तहत गोबर गैस प्लांट को बढ़ावा, इससे बिजली उत्पादन के साथ साथ उन्नत गुणवत्ता के कार्बनिक खाद उत्पन्न होता है, जिसका खेतों में उपयोग किया जाता है। जैव डीजल एवं इथेनॉल हरित ईंधन का एक अन्य रूप है। बायोडीजल के लिए जेट्रोबा तथा अन्य 32 खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न तेलों का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य जेट्रोबा का उपयोग किया जा रहा है। एथेनॉल का जो उत्पादन है विभिन्न अनाजों, चीनी मिल के अवशेष जैसे सिरका आदि से किया जाता है, और इस प्रक्रिया को जैव शोधन कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय जैव नीति के अनुसार 10% तक पेट्रोल में मिलाया जाता है। इस प्रकार जैव डीजल एवं इथेनॉल जीवाश्मी ईंधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायक है। कुछ प्रमुख प्रायोगिक स्रोत जैसे कि समुद्री ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, सेल से ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन, ये कुछ प्रमुख प्रायोगिक स्रोत हैं। एथेनॉल का उत्पादन विभिन्न अनाजों, चीनी मिल के अवशेष जैसे सिरका आदि से किया जाता है, और इस प्रकार प्रक्रिया को जैव शोधन कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय जैव नीति के अनुसार 10% तक पेट्रोल में मिलाया जाता है। इस प्रकार जैव डीजल एवं इथेनॉल जीवाश्मी ईंधन पर निर्भरता को कम करने में सहायक है। अब नेक्स्ट है समुद्री ऊर्जा। तो इसमें क्या क्या आता है, तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा और OTEC यानी कि ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। तो ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा के लिए प्रायोगिक तौर पर कार्य किया जा रहा है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रायोगिक संयंत्र लगाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में जो मैप के माध्यम से बताया गया है, तो यहाँ पे प्रायोगिक संयंत्र लगाया जा रहा है इन ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए। इस प्रकार तरंगीय ऊर्जा के लिए तमिलनाडु एवं केरल के तटीय क्षेत्रों में संयंत्र लगाया गया है, जैसे थागेश्वरी, केरल, कोलन आदि। अंडमान द्वीप के पास OTEC संयंत्र लगाया गया है। यह समुद्री जल के विभिन्न स्तरों के बीच तापमान में अंतर से उत्पन्न ऊष्मा स्थानांतरण का उपयोग इसमें किया जाता है। सेल गैस समुद्र में तथा अन्य भागों में पाए जाने वाले पहाड़ों के दरारों में पाया जाने वाला मीथेन गैस है, और इनका उत्सर्जन तथा उपयोग ऊर्जा संकट के समाधान में सहायक है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस दिशा में काम किया जा रहा है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 340 गर्म जल के झरने हैं, और इन झरनों से निकलने वाले गर्म पानी तथा भाप का उपयोग भारत में घरेलू
कार्पो एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाना। बजट 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का प्रस्ताव किया गया है। इस मिशन के माध्यम से दो स्तर पर कदम उठाया जाना है। पहला है 4 वर्ष के लिए विशेष नीति का निर्धारण और 10 वर्षों या उससे अधिक समय के लिए बृहद रोड मैप का निर्धारण। इसमें क्या किया गया है तो हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन, हाइड्रोजन ईंधन का भंडारण और हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग। तो हाइड्रोजन ईंधन को भविष्य की ऊर्जा के स्रोत के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी दहन क्षमता बहुत अधिक है। ये तीव्र ज्वलनशील है, इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है और इसका जो उपयोग है वो बहुआयामी है। हाइड्रोजन उपयोग के साथ कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं, जैसे हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन हाइड्रोऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। बंधन को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता के साथ कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें स्वतंत्र हाइड्रोजन का भंडारण जो है कठिन है, इसे ठोस द्रव एवं गैस के रूप में रखा जा सकता है। क्रायोजेनिक ईंधन में द्रव रूप में रखा जा सकता है तथा बिजली तथा उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग के साथ भी कठिनाई है क्योंकि यह तीव्र ज्वलनशील है। इन समस्याओं का समाधान कर हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के साथ साथ अन्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल, धारणीय लागत प्रभावी तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप है। इस प्रकार की विशेषता के बावजूद इसके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इसमें लागत अधिक है और बिजली का मूल्य इसमें अधिक है। सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल हेतु भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अनेक मामलों में तकनीकी जटिलताएँ हैं, जैसे पवन ऊर्जा संयंत्र के साथ वस्तु की गति की चुनौती, कम वायु की गति में पवन को चलाना कठिन हो जाता है। पवन जो चक्की है वो कम वायु अगर चलती है तो उसमें उसको चलाना कठिन हो जाता है। जन जागरूकता के भी इसमें कमी देखी जाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। इन चुनौतियों को हल करने के लिए IRDA द्वारा राज्य संस्थाओं के साथ मिलकर, जैसे BREDA यानी कि बिहार के द्वारा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का निजी एवं विदेशी निवेश PPP मॉडल का उपयोग कर समस्या समाधान किया जा रहा है। तकनीकी सुधार से लागत कम तथा टिकाऊ ये हुआ है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।